नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले इन दो ट्रैक्टर्स को। तो दोस्तों, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि आपको ट्रैक्टर की अनबॉक्सिंग देखनी है या नहीं, तो मेरे कुछ कट्टर फॉलोअर्स ने, मेरे जो कट्टर सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने फटाक से रिप्लाई दिया कि उनको अनबॉक्सिंग देखना है। तो दोस्तों, ये जो मॉडल्स हैं मैंने खरीदे है हरियाणा से, ठीक है, एमसन टॉयज बोल के एक है, उनसे मैंने खरीदे है। तो आप फेसबुक पे उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड खरीद सकते हैं। तो मैं आपको जैसे पता होगा कि मेरे पास ट्रैक्टर्स का एक मीन्स सभी प्रकार के स्केल मॉडल्स का कलेक्शन है। तो ट्रैक्टर्स भी मैं आजकल शौक चढ़ गया है मुझे। एंड मेरे ट्रैक्टर्स कलेक्शन का फोटो अगर आपको देखना है तो ये रहा, ये फोटो है। एंड अगर आपको मेरे सारे ट्रैक्टर्स एक साथ देखने हैं तो कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सभी ट्रैक्टर्स अनबॉक्स एक साथ करके दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे फार्म ट्रैक 660 और एस का DI 450, ये दो ट्रैक्टर्स को। तो सबसे पहले हम खोलते हैं एस के ट्रैक्टर को। तो इधर यहाँ पर साइड से आपको ट्रैक्टर दिखेगा, ये रहा अंदर ब्लू कलर में एकदम बढ़िया। एंड यहाँ पर लिखा है शुभकामनाओं सहित। तो चलिए इसे खोलते हैं। एंड कुछ इस प्रकार से ये ट्रैक्टर्स है दोस्तों। इन ट्रैक्टर्स मॉडल्स की खास बात ये होती है कि इनकी जो ये होता है साइलेंसर जो होता है एग्जॉस्ट, वो हमें बॉक्स में सेपरेट मिलता है। तो वो जो है अब यहाँ पर नीचे कहीं तो पड़ा होगा, मैं निकालता हूँ उसे भी। तो ये बॉक्स में, और ये रहा इसका साइलेंसर। तो ये साइलेंसर जो है यहाँ पर इसको से इस तरह से आपको अटैच करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका ट्रैक्टर है। तो पहले ये भी खोल लेते हैं, फिर दोनों ट्रैक्टर्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो ये जो दूसरा ट्रैक्टर है, ये फार्म ट्रैक का 660 कुछ इस प्रकार से आता है। एंड ये जो है काफ़ी डिटेल्ड लगा है मुझे, ठीक है। इसका भी साइलेंसर आपको सेपरेट मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसे फिटिंग जो है यहाँ पर इसकी आप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। थोड़ा जाम है पर कुछ नहीं। तो ये कुछ इस तरह से ये दोनों ट्रैक्टर्स है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी 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 वेल डिटेल्ड है यार। मेरे कलेक्शन में जितने भी ट्रैक्टर्स हैं ना, उन सभी में ये काफ़ी वेल डिटेल्ड है। आगे के पहिए भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। एंड आइए अभी हम इन दोनों ट्रैक्टर्स के बारे में विस्तार में बात करेंगे। तो गाइस, पहला जो अपना मॉडल है वो है फार्म ट्रैक का 660, एस्कॉर्ट्स फार्म ट्रैक 660। तो आपको पता है एस्कॉर्ट कंपनी दो ट्रैक्टर्स बनाती है इंडिया में, दो प्रकार के, जो है फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक। तो ये फार्म ट्रैक 660 का मॉडल है 60 HP में, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड ये जो मॉडल है काफ़ी डिटेल्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी स्टेडी रख देता हूं मैं। तो यहाँ पर आपको फार्म ट्रैक 660 और सुपरमैक्स की बैजिंग की है। सुपरमैक्स सीरीज का ये ट्रैक्टर है 60 HP में। एंड काफ़ी डिटेल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हेडलाइट, एग्जॉस्ट, मिरर, स्टीयरिंग व्हील, सीट्स, बाद में साइड शिफ्ट गियर और ट्रायंगल पट्टी, जैक, सब बढ़िया तरीके से डिटेल्ड है। एंड क्योंकि दोस्तों ये जो है ये स्केल मॉडल है, ये खिलौना नहीं है, तो स्केल मॉडल जो होते हैं काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। एंड मेरे कलेक्शन में काफ़ी ऐसे स्केल मॉडल है। तो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर वीडियो है, आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। तो ये जो मॉडल है फार्म ट्रैक का, ये कंपनी बनाती है एक्सेल इंडस्ट्रीज बोल के, जो न्यू दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। महिंद्रा के भी कई सारे मॉडल्स ये कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये फार्म ट्रैक 660 का मॉडल है एंड काफ़ी डिटेल्ड है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पूरे ट्रैक्टर कलेक्शन का सबसे वेल डिटेल्ड मॉडल यही है। दूसरा ट्रैक्टर हमारा आ जाता है एस DI 450। आप देख सकते हैं यहाँ पर एस की बैजिंग की है। एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। ये कंपनी इंडिया में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के साथ साथ एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, कमर्शियल ट्रैक्टर्स भी बनाती है। आपने जो क्रेन देखी होगी अपनी, हाइड्रा क्रेन जिसे हम कहते हैं, वो एस कंपनी ही बनाती है एंड काफ़ी बढ़िया बनाती है। तो दोस्तों ये भी ट्रैक्टर काफ़ी वेल डिटेल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बम्पर लगा हुआ आता है, हेडलाइट इसमें डिटेल की गई है, एग्जॉस्ट भी है। एंड साइड में अगर आप देखें तो काफ़ी मीन्स अप टू स्केल बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी बढ़िया लगता है, स्पेशली इस मॉडल के साथ में अगर हम इसे साइड में रखें तो काफ़ी बढ़िया, मीन्स एक डिस्प्ले पीस, शो पीस, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। इसमें भी सभी डिटेल्स बनाए हैं, जैसे कि लाइट्स, ये वाली पट्टी, नीचे वाली पट्टी, मेन पट्टी, ये अपना टॉप लिंक, बाद में वार्निंग ट्रायंगल, सीट, इसमें भी साइड शिफ्ट गियर्स दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, मिरर, स्टीयरिंग कंसोल, सभी वेल मींस वेल डिटेल्ड। क्या बताओ यार, मैं खुश हो गया ये दोनों मॉडल्स लेके। एंड ये मैंने खरीदे हैं हरियाणा के एमसन टॉयज से। तो उन्हें आप फेसबुक के माध्यम से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इन्हें परचेस कर सकते हैं। एंड मेरा अगर पूरा ट्रैक्टर का कलेक्शन आपको देखना है, मेरे पास टोटल 12-16 कुछ तो ट्रैक्टर्स हैं, मैं आपको सभी उस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दूंगा। वैसे पहले एक डाला हुआ है, पर मैं सोच रहा हूँ कि सभी ट्रैक्टर्स का एक साथ मिल के भी वीडियो बनाकर मैं आपके लिए डालूँ। तो कैसे लगे आपको मेरे दोनों ट्रैक्टर के मॉडल्स, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी शॉर्ट एंड स्वीट अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल डायकास्ट एंड ब्लॉग्स, ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद।